जो हमारे पास फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, देयर इज कॉस अल्फा माइनस बीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। हमने इससे कुछ नए रिजल्ट्स डिड्यूस करने हैं। सो वी हैव फर्स्ट डिडक्शन, दैट इज पुटिंग अल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाय टू, तो हमारे पास दिस विल बी इक्वल्स टू कॉस पाई बाय टू माइनस बीटा। अब हम इस पे फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे और सो इसकी जो शक्ल बन जाएगी दैट विल बी कॉस पाई बाय टू इंटू कॉस बीटा प्लस साइन पाई बाय टू इंटू साइन बीटा। कॉस पाई बाय टू दैट इज इक्वल टू कॉस 90 एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, और सिमिलरली साइन 90 आपके पास 1 के इक्वल होगा। सो जस्ट बाय रिप्लेसिंग द वैल्यूज यू हैव कॉस पाई बाय टू माइनस बीटा, दिस विल बी इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ बीटा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ बीटा। सो यू हैव कॉस पाई बाय टू माइनस बीटा, दिस इज इक्वल टू साइन बीटा। सिमिलरली वी हैव आवर सेकेंड डिडक्शन एंड दैट इज कॉस अल्फा माइनस बीटा, अगेन वही फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है जिसको हम यूज करेंगे। सो वी हैव, अब हम बीटा को रिप्लेस करेंगे माइनस पाई बाय टू से, तो कॉस अल्फा माइनस माइनस पाई बाय टू दिस विल बी इक्वल्स टू कॉस अल्फा कॉस माइनस पाई बाय टू प्लस साइन अल्फा साइन माइनस पाई बाय टू। एज यू नो दैट साइन माइनस पाई बाय टू दिस इज इक्वल्स टू माइनस वन एंड कॉस माइनस पाई बाय टू दैट इज इक्वल्स टू कॉस पाई बाय टू इज इक्वल्स टू जीरो। सो कॉस अल्फा प्लस पाई बाय टू दिस विल बी इक्वल्स टू कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय जीरो प्लस साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन। यहां से जो रिजल्ट आएगा आपके पास दैट विल बी कॉस अल्फा में अगर 90 डिग्रीज ऐड किया जाए, किसी भी एंगल में अगर 90 डिग्री ऐड करें और उसका हम कॉस फंक्शन लें तो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ दैट फंक्शन। सो कॉस अल्फा प्लस पाई बाय टू दिस इज इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ अल्फा। नाउ वी हैव आवर डिडक्शन नंबर थ्री, दिस इज कॉस पाई बाय टू माइनस बीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ बीटा। यहां पे हमने बीटा को रिप्लेस करना है पाई बाय टू प्लस अल्फा से, तो इफ यू रिप्लेस दैट तो कॉस पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू प्लस अल्फा दैट विल बी इक्वल्स टू साइन पाई बाय टू प्लस अल्फा। ये रिजल्ट अभी हमने चेक किया। इन नेक्स्ट स्टेप कॉस ऑफ अल्फा दैट इज कॉस ऑफ माइनस अल्फा दैट इज इक्वल्स टू साइन पाई बाय टू प्लस अल्फा, दिस वॉज अगेन अ प्रीवियस डिडक्शन। तो यहां से आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है, दैट इज कॉस अल्फा इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ अल्फा, सॉरी कॉस माइनस अल्फा इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा। जो आपके पास कोसाइन फंक्शन है दैट इज एन इवन फंक्शन, अगर आप कॉस 30 लें दैट विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस 30। तो जो एंड रिजल्ट अब यहां से कैलकुलेट करेंगे दैट इज साइन पाई बाय टू प्लस अल्फा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू कॉस ऑफ अल्फा। सो दीज आर सम डिडक्शंस फ्रॉम द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री।